तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कंपोजिशन की। तो इसमें कॉम्बी पैक में ये टैबलेट आती है, 5 टैबलेट इस किट में होती है। इसमें जो फर्स्ट टैबलेट होती है मेफीप्रास्टोन की, जो कि 200 mg में होती है, और जो 4 टैबलेट होती हैं वो मिसोप्रास्टोन की होती हैं, जो 200 mg में होती हैं। अब हम बात करेंगे कंपनी के बारे में। तो ये जाइडस हेल्थ केयर द्वारा बनाई जाती है, और अगर प्राइस के बारे में बात की जाए तो 425.81 रुपये इसका प्राइस है, जो लगभग सभी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध रहती है। अब हम बात करेंगे इसके उपयोग की। तो कौन सी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आपको बता दें, ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है, यानी अबॉर्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, गर्भपात करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे काम कैसे करती है। जो इसमें मेफीप्रास्टोन टेबलेट होती है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को ब्लॉक कर देती है, यानी जो बच्चेदानी की सर्वक्स होती है, मुख द्वार होता है, उस मुख द्वार को ये ओपन कर देती है, खोल देती है। और जो दूसरी टेबलेट होती है मिसोप्रास्टोन, वो गर्भाशय कॉन्ट्रैक्शन करती है, जिस कारण से प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। अब लेने का तरीका क्या है इसका, कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो आपको बता दें इसमें 5 जो टैबलेट हैं, तो आपको 3 दिन में इसको ख़त्म करना है। पहले दिन आप बड़ी टैबलेट लेंगे, उसके 24 घंटे बाद आपको 2 टैबलेट एक साथ लेनी है, और उन 2 टैबलेट के बाद अगले 24 घंटे में आपको फिर 2 टैबलेट एक साथ लेनी है। और जो टाइम है आपका, टाइम आप किसी भी टाइम अपना फिक्स कर लीजिए अपने हिसाब से। अगर आप मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं तो सभी टैबलेट आपको मॉर्निंग में ही लेना है। अगर आप शाम को स्टार्ट करते हैं तो आपको सारी टैबलेट शाम को ही लेना है। आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, अगर आप 8 बजे इसका इस्तेमाल करते हैं, रात में 8 बजे, तो अगले 8 बजे आपको दूसरे दिन आपको ये 2 टैबलेट लेनी है, और उसके अगले 24 घंटे में यानी अगले 8 बजे रात में ही आपको फिर 2 टैबलेट एक साथ लेनी है। तो ये हो गया आपका लेने का तरीका। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट की। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन, फीलिंग टायर्ड यानी थकान महसूस होने लगती है, वेजाइनल ब्लीडिंग भी होती है, आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। और सीरियस साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा खून निकलना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट हैं। अब हम बात करेंगे इसकी प्रिकॉशंस की। तो कौन कौन सी सावधानियाँ आप लोगों को रखनी चाहिए। तो आपको बता दूँ, इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो आप उसको टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके अल्ट्रासाउंड करवाइएगा। उससे आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी कितने दिन की है, कितने दिन आपको हो चुके हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप खुद से प्रेगनेंसी कार्ड जो होती है, प्रेगा न्यूज़ वगैरह, तो उससे आप चेक करके उससे भी पता कर सकते हैं। नहीं ये शेयर कीजिए, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।